बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास के साथ आज हाज़िर हैं। फर्स्ट लेक्चर रिव्यू लेक्चर होगा, जिसमें एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के इस लेक्चर में एनिमल टिश्यूज़ को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा, जबकि कुछ हिस्सा प्लांट टिश्यूज़ को भी आपको बता दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एनिमल टिश्यूज। बुक में मौजूद फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज मौजूद हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू मौजूद हैं। सबसे पहले इसमें एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द आउटसाइड ऑफ बॉडी और डिफरेंट ऑर्गन्स और लाइन की जो आउटर लेयर होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलके बनी होती है। ये एपिथेलियल टिश्यू 5 डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, जिसमें स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज मौजूद होते हैं। वन बाय वन इसको देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ को अगर हम देखें तो इसमें ये देखा जाता है कि सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स से ये टिश्यूज़ बने होते हैं और मोस्टली ये लंग्स, हर्ट और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये सिंगल लेयर क्यूब शेप्ड सेल्स से मिलकर बनते हैं और मोस्टली ये किडनी ट्यूब्स और स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। इनका मेन काम सिक्रीशंस तैयार करना होता है। थर्ड वन इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम इलोंगेटेड सेल्स से मिलकर बने होते हैं और इट इज फाउंड इन एलिमेंट्री केनाल और गॉल ब्लैडर। फोर्थ वन इज सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर, जैसा कि आप इसे पहले पढ़ चुके, इलोंगेटेड सेल्स से बने होते हैं। यही इलोंगेटेड सेल्स इनके साथ सीलिया अटैच हो जाते हैं और इन सीलिया का मेन काम होता है कि ये म्यूकस को प्रोपेल करते हैं और ट्रेकिया और ब्रोंकाई में ये अपना काम अंजाम देते हैं। लास्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ये टिश्यूज डिफरेंट फ्लैट सेल्स का मजमुआ होते हैं और ये इसोफेगस और माउथ रीजन के जो इनर पार्ट्स हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। सेकेंड इज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स और ये तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल टिश्यूज। स्केलेटल मसल्स अटैच होते हैं बोन्स के साथ और इनका मेन काम होता है कि ये मूवमेंट ऑफ बोन्स को हेल्पफुल करते हैं। नंबर टू इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स एलिमेंट्री केनाल, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स के एरियाज में पाए जाते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। थर्ड वन इज कार्डियक मसल। As name indicates, cardiac belongs to cardia, means heart, और इनका main काम होता है कि ये heart beat produce करते हैं। Third one is connective tissue. Connective tissues serve करते हैं as a connective और connecting area, जिसमें ये एक area को, body के एक area को दूसरे area से connect करते हैं और इनमें जो examples हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, दैट इज कार्टिलेज, बोन, ब्लड और एडिपोज टिश्यू। फोर्थ वन दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक्चुअली ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है और ये एक खास टास्क परफॉर्म करते हैं और इनका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज अ नर्व सेल दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं। मैसेजेस कंडक्ट करने के इस सिस्टम को बायो की लैंग्वेज में हम इसको नर्व इम्पल्सिस कहते हैं। ये
नर्वस टिश्यूज, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के रीजन में पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यूज़ के बाद हम प्लांट टिश्यूज़ को देखते हैं। प्लांट टिश्यूज़ की बात की जाए तो प्लांट टिश्यूज़ में मेन दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ अ सिंपल टिश्यू एंड नंबर टू कंपाउंड और अ कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में अगर हम देखें तो सिंपल टिश्यू में फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स और इनमें एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं। इनमें दो टाइप्स पाई जाती हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स रूट्स और शूट्स की टिप्स पर पाए जाते हैं और डिवीजन के बाइस ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। इनकी इस फंक्शन को हम प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम्स रूट और शूट के पहलवी इलाकों में यानी कि निचले एरियाज में पाए जाते हैं और इनकी डिवीजन के ज़रिए से जो डिफरेंट प्लांट के पार्ट होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और इस इंक्रीज को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। लेटरल मेरिस्टेम्स फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यही होगा। आपके लिए एक होम असाइनमेंट है कि आप एनिमल टिश्यू को अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अपने असाइनमेंट रजिस्टर्स पर नोट डाउन करेंगे, अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे आगे प्लांट टिश्यूज़ को फर्दर डिस्कस किया जाएगा। जब तक की इजाज़त, अल्लाह।